नमस्ते, क्या हाल है सबका। मैं आपके अपने चैनल कुकिंग विद नाज़नीन पे आपके साथ एक मौजू बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए आई हूँ। जैसे कि आप यूट्यूब तो बच्चा बच्चा यूज़ करता है, सब यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब, आपको पता है। तो यूट्यूब पे ज़्यादातर वीडियो आती हैं इंटरटेनमेंट के लिए, कि लोग कहते हैं इनको हम देखें, इंटरटेन हो, नई नई वीडियोज़, मतलब कोई नॉलेज के लिए हो, वीडियो तो समझ आती है। अब यहाँ पे एक अलीवीर है, अलीवीर पाकिस्तान का एक शहरी है जो कि यही व्लॉग्स वगैरह बनाता है, चैनल पे डालता है, ठीक है। वो अपना काम कर रहा है, जो उसका काम है व्लॉग्स बनाना, यूट्यूब का चैनल है अपना, हर कोई अपनी मेहनत करता है, वो भी कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे पैदा हो रही है, उनका एक भाई है जो कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान से आया। अपने फैमिली के क्या मैटर्स हैं हमें नहीं पता, हर किसी के घर में हर कोई इशू वगैरह होते हैं। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी सास है, मेरे भी ससुर हैं, सबके घर में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर किसी के साथ होती है। मसला यहाँ पे एक ये है कि अपनी फैमिली, अपने घर की पर्सनल बातें जो हैं वो यूट्यूब पे की जा रही है। वो क्या की जा रही हैं मैं आपसे शेयर करूँगी, फिर आप भी मुझे मेहरबानी करके अपनी राय दें कि ऐसी हरकतें करना, ऐसी बातें करना ठीक है या नहीं ठीक है। चले जी, शुरू करते हैं इनके पारिवारिक तनाव के बारे में बात करना। पहले तो जी अलीवीर है, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले इस बारे में बात की है कि वीडियोस बनाते हैं, लोग बनाते अच्छी बात है, बनाता है अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है बनाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत है जी यहाँ पे एक अलीवीर का भाई है जो कि कुछ अरसा से ही यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आने लग गया। क्यों आने लग गया, क्योंकि वो गया था पाकिस्तान। ये तो खैर उनके परिवार की बात है, जो भी है पाकिस्तान गया था, वहाँ से जब जी वापस आया है आके जैसे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए उसने। रंग कैसे दिखाए, सुन देखा जी वहाँ पे तो यूट्यूब चैनल चल रहा है, कमाई हो रही है, सारे पैसे कमा रहे हैं, क्यों ना मैं भी ये काम शुरू कर लेता हूँ, लेट के वीडियो बनाता हूँ, बैठ के वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिंग कर लेता हूँ, बस थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, थोड़ी अपने परिवार के बारे में लोगों से बुराइयाँ करते हैं, इज्जतदार लोग थोड़ी हैं, इज्जतदार लोग हो, इज्जतदार लोग तो घर की बात बाहर करते ही नहीं है। अच्छा जी, ये आदमी तब कहाँ था, नंबर एक, ये बहुत इसको नज़र आ रहा है, अपने ये माँ की खिदमत कर रहा है, अपनी बहन की खिदमत कर रहा है, इसकी एक माँ दीदी जिसको एक खर्चा भेजता है, ठीक है। तो उन्होंने भाई तुम्हें पाला नहीं है, पाला है, इतने बड़े तो ही हुए हो, यहाँ पे आके तुम्हारा मौजू क्या है, अपने भाई की बुराई करना। भाई तुम्हारा कौन है, तुम्हारा अपना खून है, उसकी बुराई कर रहे हो तुम आके, यहाँ पे कोई तुम्हारी मुँह बोली बहन बन गई है जिसको तुम वीडियो दे रहे हो, सिर्फ वजह क्या, पैसा कमाना, इसकी टांग खींचनी है, उसकी टांग खींचनी है, कोई मौजू पकड़ना, उसने देख लिया कि मेरे भाई के सर पे चढ़ के काफ़ी व्यूज़ लिए जा सकते हैं। बाकी कुछ बंदरियाँ हैं इसके बीच में ना, जो इधर से रोटी तोड़ ली, उधर से तोड़ ली, तराजू बराबर करने में ना बंदर रोटी खाना चाह रहा है, जो काफ़ी देर से लगे हुए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप तो मुसलमान हैं, आप लोग अपने अल्लाह का नाम लेते हैं, ठीक है, तो अपने अल्लाह का नाम लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं। मैंने लेडी है जो कि
रोजाना वीडियो डालती है। बिला नागा वो खाना खाना भूल सकती है। वो मुझे तो लगता है ये औरतें पता नहीं घर में नहीं रहती हैं या ये सड़क पे रहने वाली औरतें हैं, इनके पास इतना टाइम है ये डेली वीडियो बनाएंगी। क्या बनाएंगी? अली वीर के मुंह पे बंदर लगाएंगी। मुझे बात समझ नहीं आती, आप लोग का दीन इस्लाम है, आप लोग मुसलमान हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोग वीडियो बनाते हैं शुरू करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? किसी को गालियाँ, कंजर, कमीना, दल्ला, पड़वा, चोरा, ये क्या सबक दे रहे हैं आप? मैं तो कहती हूँ ये वीडियो यूट्यूब अपलोड ही कैसे कर देता, कैसे अपलोड हो रही है इनकी वीडियो? सिर्फ गालियों की वीडियो बनानी है तो एक अपना चैनल बनाओ जिसके ऊपर ना अपना रोज़ाना वीडियोज़ बनाया करो, टाइटल दिया करो कि यहाँ गालियाँ सिखाएंगे, 101 गालियाँ रोज़ाना आपको सिखाई जाएंगी, घर में लड़ाइयाँ कराने के तरीके। आप जैसी औरतें और भी होंगी, उनको भी चाहिए होगा तो मदद मिलेगी उन्हें भी। सिर्फ उसके सर पे आदमी के इस औरत ने पैसा कमाया, बंदर पे तस्वीर जोड़ दी, कुत्ते पे जोड़ दी, ये आखिरत में आप क्या जवाब देंगी अपने अल्लाह को? क्या जवाब देंगी कि शक्लें बिगाड़ रही थी हम लोग? मतलब शर्म की बात है, ये तो हो गई इस औरत की बात, ठीक है। बाकी बात आई जी अली वीर का भाई है दिलावर, आई थिंक उसका नाम है कोई, जो अपने रोज़ाना लेट के थोड़ा सा ऊपरों के लेट जाता है, कभी नीचे के लेट जाता है, बस वीडियो बनानी है रिलैक्स होके, बस मतलब पड़ जाना है, बकवास कर रही है, भोंकना सारा दिन, लेट के भोंकने में ईजी हो जाता है, आराम से भोंकी जाओ भोंक। चलें जी, वो आदमी ने जो बकवास करने लगना है करते जाना है, करते जाना है, करनी किसके बारे में? अपने भाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में, बस एक मौजू है उसके पास, मौजू को क्या ला रहा है जी, अपने भाई का ये हो गया वो हो गया, मैंने अपने घर वालों को अपने परिवार में पैसे भेजे, अपनी दीदी को पैसे भेजे हैं, अपनी माँ को भेजे हैं, तो भाई हमें क्यों बता रहे हो? ये तुम यूट्यूब पर ये बताने के लिए आए हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं? हमें तो नहीं जानना, कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में, ठीक है। ये आदमी तब कहाँ था जब इसका वालद अली वीर के घर में बैठ के कह रहा था कि मेरी जब माँ वगैरह यानी कि रिश्तेदार कोई चीज़ लाते थे तो अली वीर की माँ यानी कि दिलावर की माँ उस चीज़ को बाहर फेंक देती थी, खाती नहीं थी, बुराइयाँ हो रही थी, तब ये कहाँ था? तब इसको कोई गर्ज नहीं थी, ठीक है। गर्ज क्यों नहीं थी? यूट्यूब के बारे में कुछ खास जानता नहीं था, पाकिस्तान आया जानना उसका ये तो काम अच्छा है, वीडियो डाला करूँगा रोज़ाना की पैसे कमाऊँगा, कुछ बंदरियाँ भी हैं साथ में, बंदरियाँ जी कौन है? बंदरियाँ वो होते हैं जो इसके भाई के मुंह पे जूते लगाती हैं, उसकी भाभी के मुंह पे, जो इसकी माँ की बुराइयाँ करती हैं कि उसे नमाज पढ़नी नहीं आती, जो इसकी माँ की बुराइयाँ करती हैं नमाज पढ़नी नहीं आती, मुँह पे जूते लगाती हैं इसके भाई के भाभी के, कुछ शर्म करो भाई, कुछ शर्म करो, एक ही माँ की औलाद हो तुम लोग, कुछ शर्म करो। बंदे को खुद शर्म आ जाती है, देख के शर्म आ जाती है, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग के में बिल्कुल शर्म मर गई है, अपने परिवार की तुम लोग बातें ऐसे करके क्या ले रहे हो व्यूज़? लोग और भी डाल रहे हैं, तुम लोग पता क्या किस तरह हम मित्र होगी सब कुछ खा ले, लालच अच्छा नहीं होता, ज़्यादा घटिया हरकतें घटिया काम बंद कर, शर्म करनी चाहिए। अगली बात ये कि अली वीर जो भी है ये लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे, कुत्ते बिल्ली हुए ना, सारा दिन बकवास करते हैं, आते हैं यूट्यूब पे बकवास करने बैठ जाते हैं। मुझे इतना पता है अली वीर के पास टाइम भी नहीं होगा इनकी बकवास सुनने का, ये लोग भौंक रहे हैं उसके सर पे व्यूज। इस एक औरत है
जो सिर्फ पैसे के लिए यूट्यूब चला रही है, कुत्ते बिल्ले उनके सर पे लगा रही है, मुंह पे लगा रही है, जूते लगा रही है। मुझे तो लगता नहीं कोई इस औरत का परिवार भी है, क्योंकि ऐसी औरत का कोई परिवार हो तो उसके बच्चे क्या देखेंगे कि हमारी माँ यूट्यूब बैठ के गालियाँ दे रही है। क्या देख रही है उसके परिवार वाले? मुझे नहीं लगता ये औरत किसी भी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है। दूसरी बात, इनमें शर्म नहीं रही, इज्जत नहीं रही अपने परिवार के लिए, अपने मतलब जो वो दिखा रहे हैं कि लोगों के नज़र हमारे बारे में क्या हो रही है, शर्म नहीं रही। शर्म करनी चाहिए। मौसम बंद हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, जी दिलावर जिंदा हो गया, जिसको दीन दुनिया का कुछ नहीं पता था, पाकिस्तान से फिरने के बाद, माहौल देखने के बाद लालच आ गया, उसमें हवस भर गया, बाकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। ठीक है, लालची लोग हैं, वीडियोस बनाएंगे। तो भाई हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे सारे परिवार में क्या हो रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं है, शर्म कर लो। तो मैं यही कहूँगी, शर्म कर लो। जिसको तुम मुँह वाली बहन कह रही हो, वो तुम्हारे भाई के, भाभी के, यार कि तुम्हारी अपनी माँ पे क्या क्या बातें करती थी, ज़रा एक बार उसकी वीडियो देख लो। लालच में इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो ये भूल जाए कि ये आदमी, ये औरत क्या है। ठीक है, लालच करो, लेकिन ये भी देखो कि वो तुम्हारे अपने हैं, लालच नहीं करो, अच्छी बात नहीं है। इनमें एक बांदरी है, एक काली सी बांदरी है इनमें, जिसका काम क्या, जो गायब हो जाती है, यूट्यूब का चैनल उठाती है, लगी रहती है चुगलियाँ करने, बुराइयाँ करने। ठीक, उसका चैनल ग्रो नहीं करता, बेचारी बेदिल हो जाती है। एक गलत चैनल बना रही थी जिस पर गलत वीडियो अपलोड करने लग जाती है, कोई यूएसए की है वो औरत। ठीक है, वीडियोस वगैरह बनाने बैठ जाती है, जब उसने देखा कि दोबारा से मौजू स्टार्ट हो गया, क्यों ना इस मौसम में दोबारा गुस्सा जाए, बंदर वाला काम किया जाए, और बंदर का काम है इधर से रोड से तोड़ना, उधर से तोड़ना, अपना फ़ायदा कर लिया जाए इसमें थोड़ा। जिसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा, वो दोनों अपने ख़ानदान को, अपने परिवार को गंदा करने लगे हुए। वो तो लगे हुए ना, वो दीदी के सर पर चढ़ गया एक, जो दीदी उसकी भी मुखलस नहीं है, वो दीदी का मुखलस नहीं है, दीदी से बात है। अपने अपने लालच में लगे हुए, अपने अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, पैसे कमा लिए जाए। अच्छा, अगली बात, जो बंदरी है, वो बंदरी आती है, कैमरा रखती है, जी ये हो गया, वो हो गया, तुम जवाब दोगे, वो जवाब देगा, थोड़े व्यूज़ बढ़ा लेती है, बस उसका ये काम है। कोई इनके पास अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं है इनके पास अपना, कोई इनके पास टैलेंट नहीं है, कोई इनके पास अपना हुनर ही नहीं है जिसको ये आके यूट्यूब पे अपलोड कर सके। इन्होंने सिर्फ अलीवीर के सर पे कमाई करनी है, अलीवीर के लिए इन्होंने चैनल बनाया, अलीवीर के सर पे उसका सदका खाने एक तकरीबन बैठे हुए ये लोग, उसके लिए वीडियो बनाए जाएंगे। जिस ये औरत का जो चैनल है, जो ये है बुराइयाँ करी, कुत्ते बिल्ले लगा रही है, सारा दिन गालियाँ देती है, बकवास बकवास बकवास, इसका तो चैनल का नाम होना चाहिए बकवास बकवास, हर वक्त बकवास बकवास करती है औरत, आके चैनल पे लगाती है वीडियो, बकवास करनी शुरू कर देती है, बुराइयाँ करनी शुरू कर देती है, नेक बन जाती है। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी आपके अपने चैनल कुकिंग विद नाज़रीन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और ज़रूर मेरी वीडियोस में जो मैंने आप लोगों से बातें की हैं, क्या सही हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने परिवार के बातों के बारे में, अपने सगे भाई के बारे में ऐसे करना ठीक है? एक औरत का किसी की चेहरे बिगाड़ना, गालियाँ देना किसी को, जो किसी को जवाब भी नहीं दे रहा कोई, सही है? एक औरत जो बंदरी है, बंदर का काम कर रही है, आग लगाना किसी पे बातों में, अलग में आदमी कुछ नहीं बोल रहा, कोई दिलचस्पी नहीं दे रहा, सही है? माँ के बारे में तो ठीक है, या के बात कर रहा है, बाप का है इसका, कभी बाप के बारे में इसने बताया मेरा बाप का? बाप का ये अहमियत नहीं रखता इस आदमी के लिए ज़िंदगी में? बाप भी तुम्हारा बाप है, बाप के बारे में भी बात करो ज़रा। लोग अंधे नहीं है, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन गलत है कौन सही है, शायद तुम खुद ही गलत हो, अपनी गलती ठीक कर लो, बेहतर यही है।
लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझ रहे, जो तुम हरकतें कर रहे हो लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझ रहे, बाज आ जाओ इन हरकतों से। लेकिन बाज तो आने वाले नहीं है, चले आप लोग भी वीडियोस बनाए, मैं भी आप लोग को जवाब दिया करूँगी। मुझे तो आप लोग की हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद, से मेरा तो बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोग को जवाब दूँ। ट्रक ड्राइवर था, आजकल वो भी गायब हो गया। मेन बात जो मैं आप लोग को सबसे करना चाहती हूँ, मुझे लगता है सब मिले हुए हैं, लगता क्या यकीनन मिले हुए आते हैं। मौजू शुरू होता है अलीवीर, बस एक मौजू अलीवीर 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 अलीवीर, उसके बाद अलीवीर का मौजू ख़त्म हो जाता है, सब भाग भुग जाते हैं अलीवीर अलीवीर, सब अंदर वगैरह फिर से आ जाते हैं, रोटी तोड़ेंगे अब सारे खैर। सब मिले हुए ये मिल के सब कुछ कर रहे हैं, एक टारगेट रखा हुआ है इन्होंने अलीवीर, उसके सर पैसे कमाने हैं, जिसको कोई गर्ज नहीं है। मुझे तो लगता है इनकी वीडियोज़ भी नहीं देखता होगा, तो बस इतना टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि ये बकवास करी जानी, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। क्या भोंकते हैं भोंके, वो भोंकने वाले का सर फाड़ नहीं सकते, चले खैर भोंकते रहे। हाँ मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो में जो मैंने बातें की ठीक थी कि नहीं, बाकी मुझे अब इजाज़त दीजिए। आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी दीदी माधुरी।